हेलो स्टूडेंट, आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका फोर्थ चैप्टर है। इन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है, बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है। दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल एंड फंक्शनिंग। ये रिस्पॉन्सिबल होता है सारे कंप्यूटर सिस्टम के कंट्रोलिंग एंड फंक्शनिंग के लिए। इसके जो है फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम है। फंक्शन इसके कौन कौन से कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, फर्स्ट है हमारा फाइल मैनेजमेंट, सेकंड हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, थर्ड हमारा इनपुट आउटपुट, डिवाइस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है जो यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। इनपुट आउटपुट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो है हमारे और भी ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन है, उसमें हमारा एरर ट्रैपिंग एंड हैंडलिंग, जो भी एरर आती हैं उसमें जो भी ट्रैपिंग होती है उसको हैंडल करना भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का ही वर्क है। नेक्स्ट है हमारा इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स प्रोटेक्शन। जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, जिस भी रिसोर्स से आ रही है, उसका प्रोटेक्शन करना। नेक्स्ट है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। जो भी हमारी सिस्टम में जितनी भी मेमोरी है, चाहे वो प्राइमरी मेमोरी हो, सेकेंडरी मेमोरी हो, कैश मेमोरी हो, उसका मैनेजमेंट भी करना ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम। नेक्स्ट हमारा है प्रोसेसर मैनेजमेंट। जो प्रोसेसर लगा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको भी मैनेज करने का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो पूरे सिस्टम का हेड होता है। वो सारे डिवाइसों को मेंटेन करता है तथा उनकी कंट्रोलिंग करना, उनकी फंक्शनिंग करना, उन्हें किस तरीके से वो वर्क कर रहे हैं, इन सब का पूरा काम का एक होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे ये जैसा कि आपके बुक में दिया हुआ है, इन इनेबल टू वर्क टू ए कंप्यूटर एप्लीकेशन विदाउट वरिंग अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। इसमें क्या होता है, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, बिना किसी चिंता के सारे वर्क को ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है। क्लासिफिकेशन करेंगे हम कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का, किस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है, ये हमारे ब्लैकबोर्ड पर दिया हुआ है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्लासिफिकेशन दिया गया है। फर्स्ट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट ओनली सिंगल यूजर एट ए टाइम। इज दैट सिंगल यूजर कैन बी ऑपरेट और यूज द सिस्टम रिसोर्स एट द टाइम। सच सिस्टम ऑल्सो बोन्ड टू रन एन सिंगल प्रोग्राम गिव पॉइंट ऑफ टाइम। एमएस डॉस विंडो 95 इसके एग्जाम्पल है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में सिर्फ एक ही यूजर होता है जो ऑपरेटिंग कंप्यूटर को हैंडल करता है। इसके एग्जाम्पल हमारे डॉस है ना, डिस ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडो 95। सेकेंड हमारा दिया है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इज सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्राम रनिंग ए टाइम ऑफ सेम कंप्यूटर। इसके एग्जाम्पल हमारे दिए गए हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के, विंडो 7, यूनिक्स एंड लिनक्स। थर्ड हमारा है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूज्ड टू कंट्रोल कॉम्प्लेक्स सिस्टम एंड रिक्वायर लॉट ऑफ प्रोसेसिंग लाइक ए मशीनरी, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम। इसमें हम इस रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। इसके एग्जाम्पल है हमारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडो सी। नेक्स्ट हमारा दिया है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो बहुत सारे टास्क को एक ही टाइम में रन कर सकते हैं, मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। इसके एग्जांपल हमारे विंडो 2000, यूनिक्स। नेक्स्ट हमारा दिया है फिर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है
in operating system software and data is distributed around the system, program and file which are located in different geographical location and access for different computer terminals. Each system has own system block, data structure and memory. They does not share these. Linux and Ubuntu इसके example हमारे क्या क्या है, Linux और Ubuntu इसके example है। ये सारा हमारा operating system के बारे में आज हमने पढ़ा। operating system होता क्या है, इसके features क्या क्या है, इसके classification यानी इसके types क्या क्या है और उनके example। अब हम operating system के threats, जो operating system की कमियां होती हैं, first होता है, इसकी दो कमियां हैं, दो थ्रेड्स हैं इसमें। फर्स्ट है सिस्टम क्रैश, इसमें सिस्टम क्रैश होने की संभावना होती है। सेकंड हैकिंग, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हैक किया जा सकता है। अब हमारे हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में हम इनके बारे में डीपली पढ़ेंगे, जिसमें हम विंडो, यूनिक्स एंड लिनक्स के बारे में पढ़ेंगे। विंडो में क्या होता है, विंडो जैसे कि आप लोग जानते हैं पर्सनल कंप्यूटर या ऑफिस में हम मोस्टली विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही यूज़ करते हैं। यूनिक्स में के जो है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम केनल, फाइल सिस्टम, शेल हैं एग्जांपल। और लिनक्स हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में फेडोरा, कोर, उबंटू, ये जो है हमारे लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हैं, जो डिफरेंट वे में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग जगह पे यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनके बारे में फ्री सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, फ्री सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं। फ्री सॉफ्टवेयर मीन्स यूजर फ्रीडम टू रन, कॉपी, डिस्ट्रीब्यूट, स्टडी, चेंज एंड इम्प्रूविंग सॉफ्टवेयर टू वी प्रिसाइज टू गिव फाइव काइंड्स ऑफ फ्रीडम टू यूजर सॉफ्टवेयर। फर्स्ट फ्रीडम, द फ्रीडम टू रन प्रोग्राम, पहली फ्रीडम कौन सी होनी चाहिए, रन टू प्रोग्राम की। सेकेंड फ्रीडम होनी चाहिए स्टडी, हाउ टू प्रोग्राम पर स्टडी, उस वो जो प्रोग्राम है वो कैसे रन करते हैं। थर्ड है हमारी शेयर एंड कॉपी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका जो है फ्री सॉफ्टवेयर के थ्रू उसका शेयर करना, उसको कॉपी करना एंड उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। नेक्स्ट हमारा दिया गया है फ्रीडम टू मॉडिफाई, जो भी सॉफ्टवेयर फ्री सॉफ्टवेयर मिला है उसको हम मॉडिफाई कर सकें। द यूजर नीड नॉट इन्वेस्ट मनी एंड टू परचेज दिस सॉफ्टवेयर, तो फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें परचेज करने के लिए हमें कोई भी मनी का इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है। ये हमारे डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, जो मोबाइल फोन में यूज किए जाते हैं वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट।